हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर में जो इंट्रो का लेक्चर था, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या से कंडीशन होते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने देख लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.1, ठीक है। तो 4.1 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का स्टेटमेंट है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सबको आपको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पीछे हम लोग पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई होगा तो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसमें ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ए कांट भी जीरो, बी और सी हो सकता है, ठीक है। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ए जीरो होगा तो ये सबको जीरो होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, ठीक है। तो हमें चेक करना है या फिर इससे कंपेयर करेंगे कि इस फॉर्म में है कि नहीं, ठीक। और इस फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि नहीं है। तो क्वेश्चन जो गिवन था हमें वो था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था, एक्स प्लस वन टू दी होल स्क्वायर इक्वल था टू इंटू एक्स माइनस थ्री। क्वेश्चन यही था, हमें ये चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजीली चेक कर सकते हैं। इसको ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो इसको ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर पे जब ब्रेक कीजिएगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी मीन्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा जब, तो हो जाएगा टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है तो उधर राइट साइड में जीरो करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस में क्या है, इधर ये टू एक्स आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इस टू एक्स से टू एक्स को काट दीजिए, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा, एक्स स्क्वायर अब प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला क्या है, ए वाला टर्म है और इसमें बी वाला टर्म जीरो है और सी वाला टर्म है। तो मैंने बताया था कि ए वाला टर्म जीरो नहीं हो सकता है, बी सी में से दोनों हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम क्या लिख देंगे कि यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो आई थिंक ये बहुत ईजी है, आप सब कर लीजिए। चलिए इसमें का क्वेश्चन नंबर हम अब टू को देखते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर टू है आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है रिप्रेजेंट द, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। किस फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को पढ़कर देखिए इसको कैसे कर रिप्रेजेंट किया जाता है। कह रहे कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया गया है, ये क्या है जी, यहाँ पे एरिया है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर है तो इसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। जो कह रहा है कि इसका लेंथ है एल है, वो ब्रेथ से ट्वाइस से वन ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, सॉरी पहले ब्रेथ मान लीजिए, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ को आप मान लीजिएगा एक्स, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन,
समझ में आया, कह रहा है कि ट्वाइस से एक अधिक है, तो लेंथ और ब्रेथ हो गया। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया जो होता है एल इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो एल का वैल्यू मालूम है कितना, तो 2x+1 और इंटू में बी क्या है एक्स इक्वल टू, एरिया कितना दिया है जी 2528 है, सॉरी 2 नहीं है 528 है, 528। इधर भी एरिया है ये भी, और इधर भी एरिया है, यहाँ से मीटर स्क्वायर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कट जाएगा। अब सिंपल है, इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको भी आपको सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आई थिंक ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सारा क्वेश्चन ईजी हैं, कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देख लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा एक्सरसाइज है। ठीक है, आप दूसरे बुक से भी बनाइए, आर एस अग्रवाल बनाइए, पियर्सन बनाइए, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को अब देखते हैं हम लोग। अब जो एक्सरसाइज आप देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन। रूट मैंने बताया था, रूट क्या होता है, तो इसको सॉल्व करने पे जो इसका, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका टू सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दो ऐसे इसका रूट्स मिलेंगे जो इसको क्या करेंगे, वैल्यू मिलेंगे जो जीरो कर देगा इस इक्वेशन को, वही इसका रूट कहलाता है, या फिर जीरो भी कहलाता है, या इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जैसे एक तो फार्मूला मेथड हो गया जो आगे हमको पढ़ना है, दूसरी चीज़ है कि फैक्टराइजेशन जो हम इसमें पढ़ेंगे, और तीसरी जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमको आगे पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड से भी, अगर आपके सिलेबस में शायद नहीं है ग्राफिकल मेथड, तो ये तीन चार मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत ईजी है, क्योंकि नाइन्थ में आप लोगों ने बहुत फैक्टराइज करना सीखा है। ठीक, तो चलिए हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 4.2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में ही 10 है, -10 इक्वल टू 0 था, इसको फैक्टराइज करना था। तो आप लोगों ने बहुत बार सीखा है। ठीक है, ए इंटू सी करते हैं, और जितना आता है उसको मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करते हैं कि मिडिल टर्म भी मेरा बचा रहे और ए इंटू सी वाला भी आ जाए। ठीक, तो इजी है, आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 5x लिख दीजिए, प्लस में 2x लिख दीजिए, -10 इक्वल टू 0। ठीक, इस टर्म को मैंने दो दो लिखा हुआ है, जब इसमें से -5 को मैं 2 प्लस कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक, अब इजी है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली x कॉमन लीजिएगा तो x -5 हो जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, +2 कॉमन हो रहा है, तो x -5 ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, तो फिर अब दोनों में क्या मिल रहा है, x -5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए x -5 इंटू, तो क्या बच जाएगा, x +2 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो फाइनली आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक तो यहाँ से मिल जाएगा 5, और एक तो यहाँ यहाँ से मिल क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इस लेक्चर में आप लोग का ये होमवर्क कर रहा है 4.1 एंड 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज जो है आपका होमवर्क, ठीक, 4.1 4.2। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं तो आर एस अग्रवाल से भी सॉल्व कीजिएगा, या जो भी आपके पास साइड बुक हो उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य ही संपर्क कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आप एक स्लो लर्नर हैं तो इस दोनों एक्सरसाइज को अवश्य ही सॉल्व कर लीजिएगा, साइड बुक बनाइए या फिर ना बनाइए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आई थिंक आपको बनाना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर एस अग्रवाल हो गया या फिर के सी सिन्हा हो गया या फिर जो प्राइवेट राइटर हैं उनमें क्वेश्चन ज़्यादा रहता है
तो प्रैक्टिस जितना ही कीजिएगा उतना ही क्या होता है आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।